नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 38वीं वीडियो है ये स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की। कौन कौन से रिवॉर्ड्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, तो कोया रिवॉल्ट, भील अपराइजिंग, कोलीज रिवॉल्ट, रमोसी अपराइजिंग, जत्रा भगत एंड तना भगत मूवमेंट, और दो तीन और छोटे छोटे से मूवमेंट हम देखेंगे। वैसे तो मैं देखिए आपको जितना ज्यादा डिटेल हो सकता है उतनी ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेक्ट्रम में जो एक एक लाइन लिखी है उसका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा ये जो रिवॉल्ट है वो काम के है नहीं। भील अपराइजिंग, कोली अपराइजिंग, रमोसी अपराइजिंग, जत्रा भगत और तना भगत मूवमेंट के बारे में अक्सर कर आप सुनते रहते हैं। कोया रिवॉल्ट तो देखिए ज्यादा फेमस है नहीं, ठीक है। अब हाँ, अपने इलाके में रिवॉल्ट फेमस होंगे, बट इतने सारे रिवॉल्टों में आप बोलोगे याद कैसे रखा जाए, तो याद ऐसे रखा जाए दोस्तों, जो रिवॉल्ट जहां पे भी हुआ है उसकी लोकेशन अगर हो सके तो याद रखिए, और उसके लीडर को याद रखिए, और वो किस समय पे हुआ था ये याद रखिए। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सर सब कुछ तो याद रखने को बोल दिया, तो वैसा ही है भाई। अब यूपीएससी की तैयारी कोई आसान चीज तो है नहीं, बड़ी चीज उठाई है आपने तो बड़ी मेहनत भी है। आगे बढ़ने से पहले ये जो किताब है आपकी स्पेक्ट्रम की, इसको जरूर खरीद लीजिए और मेरे साथ बैठ के पढ़िए। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना। वैसे तो अगर हम कोया रिवॉल्ट की बात करें, जो मेन कोया रिवॉल्ट का था वो 1879 से 1880 में हुआ, जो आंध्र प्रदेश का गोदावरी इलाका है, खासकर जो कोस्ट के पास आता है वहां पे हुआ था ये रिवॉल्ट। मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, उसके कुछ पोर्शंस भी इस रिवॉल्ट से अफेक्टेड थे। आप देखिए छोटे छोटे जो चीफ्स थे कोया ट्राइब्स के, कोंडा ट्राइब्स के, वो अपने ओवरलॉर्ड के अगेंस्ट में खड़े हो गए। अब वो ओवरलॉर्ड ऑब्वियसली बात है किसको रिपोर्ट करते थे, अंग्रेजी सरकार को। अंग्रेजी सरकार इन ओवरलॉर्ड से बोलती थी पैसा लाओ, पैसा लाने के लिए ओवरलॉर्ड्स ट्राइबल्स को परेशान करते थे। तो इन ट्राइबल्स ने समय समय पे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बवाल किया, 1803 में किया, 1840 में किया, 1845, 1858, 1861, 1862। ओके, जो आप देखोगे मेन रिवॉल्ट होगा वो होगा 1879 से लेके 1880 में। 1879 से लेके 1880 में जिस लीडर ने इस रेबेलियन को लेड किया उसका नाम था तोमा सोरा। तोमा सोरा ने समझा कि भाई ये ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या है, कैसे इन ट्राइबल्स को लूट रहे हैं ये अंग्रेजों के ठेकेदार। अंग्रेजों ने बीच में बिचौले रख रखे थे ना, मनी लेंडर्स और आपके रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के ऑफिसर्स, तो ये जो जमींदार टाइप के थे ये सब लूट रहे थे ट्राइबल्स को। प्लस दोस्तों जैसे जैसे ये जो जमींदार थे और अंग्रेजी सरकार थी वो फॉरेस्ट के इलाके में घुस रही थी, वो फॉरेस्ट के इलाके को रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर कर दी थी। जब इन फॉरेस्ट के इलाके को रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर कर दिया जाता था तो जो ट्राइबल इन फॉरेस्ट इलाकों में हजारों साल से रह रहे थे उनके राइट्स एकदम से छीन लिए जाते थे। फिर पुलिस वाले यहाँ पे आके ट्राइबल्स को परेशान करते थे, उनके ट्राइबल प्रोड्यूस को छीनते थे, तो आएंगे तो किसी ने अगर हनी प्रोड्यूस करके रखा उसका हनी छीन ले जाएंगे, इस तरीके की चीजें करेंगे तो ये परेशान होंगे। मनी लेंडर्स घुस चुके थे, वो मनी लेंडर्स इनको शुरू में पैसा देते थे, ब्याज इतना ज्यादा रखते थे कि ये ट्राइबल्स कभी लौटा ही नहीं पाते थे। जब ब्याज नहीं चुका पाते थे तो इन ट्राइबल्स का सारा प्रोड्यूस छीन लेते थे, कभी कभी इनकी जमीनें छीन लेते थे, इनके वो प्रोडक्ट्स छीन लेते थे। कुछ नए एक्साइज रेगुलेशंस को भी इंट्रोड्यूस करके जिससे इन ट्राइबल्स की जो फाइनेंशियल फ्रीडम थी वो और रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो भैया बवाल तो होना ही था, इस बवाल में लीड किसने किया, तोमा सोरा ने। तोमा सोरा को बोला गया द किंग ऑफ मलकजगिरी, इतना प्रिसाइज याद रखने की जरूरत है नहीं। लगभग 5000 स्क्वायर मील का जो इलाका था वो अफेक्टेड था इस रिवॉल्ट से। एंड में आप देखोगे तोमा सोरा को पुलिस वाले गोली मार देंगे। ओके, तो इस समय पे ये रिवॉल्ट थोड़े समय के लिए रुक जाएगा जब तोमा सोरा की मौत हो जाएगी। बाद में 1886 में इसी कोया रिवॉल्ट का एक और वर्जन हमारे सामने आएगा जहां पे लीडर कौन थे, राजा अनंत अय्यर। तो आपको याद रखना है कोया रिवॉल्ट के दो लीडर्स, राजा अनंत अय्यर और तोमा सोरा। तोमा सोरा इन 1879 टू 1880 और राजा अनंत अय्यर इन 1886, जो ओडिशा के और आंध्र प्रदेश प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये रिवॉल्ट अफेक्ट कर रहा था। फिर आगे हम लोग बात करेंगे भील अपराइजिंग की। देखिए भील्स रहते कहां थे, भील भी एक ट्राइब है, वेस्टर्न घाट्स में रहते थे, और जो इनका मेन इलाका था वो था खंडेश का इलाका। अगर आप खंडेश को मैप में देखो तो मैप में दोस्तों खंडेश आपको ये नजर आ रहा है, ये जो लाल रंग का पोर्शन है ये है आपका खंडेश। तो खंडेश के इलाके में एक इंडिजीनियस ट्राइब्स थी ये भील्स। 1817 से लेकर 1819 के टाइम पीरियड्स में इन भील्स ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में जंग छेड़ दी। उन्होंने बोला कि भैया ये जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एग्रेरियन हार्डशिप्स आ रही हैं,
ये देखिए हो नहीं पाएगा। बील्स की इंपॉर्टेंस क्या थी? बील्स की इंपॉर्टेंस ये थी कि वेस्टर्न घाट्स में रहते थे, और आपको पता है दोस्तों वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स के थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता था, तो उस ट्रेड को यानी कि कोस्ट को अगर आपको इनर डेक्कन प्लेटियो के इलाके से जोड़ना है तो कुछ पासेस थे वेस्टर्न घाट्स में जिनसे लोग निकल सकते थे, तो उन पासेस पे इन भीलों ने कब्जा कर रखा था अंग्रेजी राज के अगेंस्ट में। आप देखिए अंग्रेज बहुत तगड़ा टैक्स लगाते थे, वो टैक्स इनको देना नहीं था, अंग्रेज मिस गवर्नमेंट करते थे, फेमिन्स भी बहुत सारे आ गए थे इस इलाके में, तो इन लोगों ने बोला भैया हम ब्रिटिश राज को नहीं झेलेंगे, और ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में जंग छेड़ दी। सबसे पहले ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में जंग छेड़ी गई, कब छेड़ी गई? 1817 से लेकर 1819 तक, 1817 to 1819 में हुई इस अपराइजिंग को ब्रिटेन ने बहुत बुरी तरीके से दबा दिया। कोई बात नहीं, उस समय तो भील्स दब गए, क्या भील्स फिर से बवाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो 1825 में भी बवाल करेंगे, 1831 में भी बवाल करेंगे, 1846 में बवाल करेंगे, यानी 1825, 1831, 1846 बवाल फिर से होगा। जब 1825 में फिर से रिवॉल्ट होगा तो उसकी लीडरशिप कौन लेंगे? तो सेवाराम नाम का एक पर्सन था, वो इसकी लीडरशिप लेगा। बाद में एक और रिफॉर्मर था जिसका नाम था गोविंद गुरु, वो भी लड़ाई में मदद करेगा। तो 1825, 1831, 1846 जब इतने बार ये रिवॉल्ट होगा तब आप समझोगे कि जो भील अपराइजिंग थी ना, दिस वॉज बेसिकली अ सीरियस चैलेंज टू ब्रिटिश इन दोज एरियाज। ओके, 1825 में जब बवाल हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि भील्स के अंदर एक इंथुजियाज्म आ गया कि जो फर्स्ट एंग्लो वर्वीज वॉर हुआ है इसमें ब्रिटिशर्स का नुकसान हुआ है, उसके चलते हम भी ब्रिटेन को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाद में 1831, 1886, कहने का मतलब है ब्रिटेन की पॉलिसीज यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव ही रहेंगी, और इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ये भील्स लड़ेंगे, इसको बोला गया भील रिवॉल्ट। तो अब लोग, इसका जो टाइम पीरियड है वो तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलाका याद रखिए खंडेश का, और इनके लीडर्स याद रखिए, यानी सेवाराम का नाम याद रखिए, साथ में गोविंद गुरु का नाम याद रखिए। एरिया मैंने आपको मैप में दिखाई दिया। अगले चलते हैं कोली अपराइजिंग। कोली जो थे, जो भील के आसपास का जो इलाका था दोस्तों वहां पे रहते थे, कोली भी एक ट्राइब थी, भील भी एक ट्राइब थी, भील ये जो खंडेश के आसपास के इलाकों में रहते थे उसके आसपास कोलीज भी रहते थे। कोलीज की भी वही प्रॉब्लम थी कि ये ब्रिटेन के जो लोग हैं उनके इलाकों में घुस रहे हैं, इनके फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं, नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को लेके आए हैं जिसके चलते बहुत सारे मनी लैंडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स इनके इलाकों में घुस आए हैं, इनको बर्बाद कर रहे हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। तो कोलीज ने भी हथियार उठा लिए, पहले हथियार उठाएगा 1829 में, फिर 1839 में, और फिर अगेन 1844 से लेके 1848 तक। तो कोली अपराइजिंग भी एक बार में नहीं हुई, कोली अपराइजिंग भी लगातार होती रही। ओके, अच्छा एक और बात है दोस्तों, कोलीज के कुछ फोर्ट्स हुआ करते थे, कुछ गढ़ थे इन कोलीज को जहां पे कोलीज रहा करते थे, उन गढ़ों को भी अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, उनका जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए कोलीज ने भी हथियार उठा लिए। याद रखिएगा वेस्टर्न घाट्स के जो आसपास का इलाका है जहां पे भील्स एक्टिव थे वहीं पे ये कोलीज भी एक्टिव थे। अगले में चलते हैं रमोजी अपराइजिंग। देखिए रमोजी अपराइजिंग दो फेजेस में हुई है, पहली हुई 1822 एडी में अंडर लीडरशिप ऑफ चिट्टू सिंह। ओके, दूसरी हुई 1825 से लेकर 1826 और 1829 के बीच में। ओके, 1825-26 से लेकर 1829 एडी तक हुई। क्या है इसके डिटेल्स? ये जो रामोसीज थे ये भी वेस्टर्न घाट्स की हिल ट्राइब्स थी। तो अब देखिए दोस्तों, वेस्टर्न इलाके में होने वाले जो पहला मैंने आपको बताया इस वीडियो में कोया रिवॉल्ट, वो हुआ था हमारे ईस्टर्न इंडिया में। भील रिवॉल्ट, कोली रिवॉल्ट और रमोसी रिवॉल्ट जो तीनों अब तक मैंने आपको डिस्कस किए हैं, हमारे वेस्टर्न इलाकों में हुए हैं, स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट्स में हुए। ओके, ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन रमोसीज को पसंद नहीं आया, तो काफी हद तक जो कोली की वजह थी बवाल करने की, जो भील्स की वजह थी रिवॉल्ट करने की, वही वजह रमोसीज की भी थी। रमोसी को ये जो ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था पसंद नहीं आया, ये जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी रमोसीज को ये पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई दोस्तों? देखिए क्या था कि मराठास और ब्रिटेन की बहुत लंबी जंग छिड़ी है। मराठास जब हार गए ब्रिटिशर्स से तो मराठा की सारी टेरिटरीज को इन ब्रिटेन ने कब्जा लिया। अब हुआ ये था दोस्तों कि मराठास ना इन रामोसीज को नौकरी देते थे मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन में, मराठा के जो भी रूल था उसके दौरान पे रामोसीज को फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी, जॉब वगैरह नौकरियां वगैरह मिलती थी, वो नौकरियां मिलनी हो गई बंद। तो मराठा टेरिटरी का जब एनेक्सेशन किया ब्रिटेन ने,
धीरे धीरे उसका इफेक्ट इन रमोसिस पे भी आना शुरू किया। तो इसलिए आप देखोगे कि सबसे पहले जो ये रमोसी रेबेलियन होगा वो होगा अंडर चित्तूर सिंह इन 1822। अब 1822 में ये क्या हुआ इसको समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। देखिए पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से लेकर 1782 में, पढ़ा चुका हूं आपको। सेकंड 1803 से लेकर 1805 तक, और थर्ड 1817 से लेकर 1818 तक। और 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होगा तब जो मराठास की ओवरऑल ताकत थी, जो उनकी डिग्निटी थी, काफी हद तक गिर चुकी थी। और 1818 के 4 साल बाद जब रमोसिस की डेली लाइफ पे अंग्रेजों की इंटरफेरेंस का इफेक्ट पड़ने पड़ा तो 1822 में पहली बार रमोसिस का रेबेलियन शुरू हुआ चित्तूर सिंह के अंदर। सतारा के आसपास के इलाके में यहां पे चित्तूर सिंह की लीडरशिप में रमोसिस ने बहुत बवाल मचाया, फिर इनको दबाया गया, फिर से इरप्शंस होंगे 1825-26 में। कौन लीड करेगा? उमाजी नायक ऑफ पूना, उनके सपोर्टर थे बापू त्रिंबक जी सावंत। ये डिस्टर्बेंसेस चलते रहे 1829 तक। तो पहला कब हुआ? 1822 एडी में। दूसरा कब हुआ? 1825-26 से लेके 1829 तक। तो ये दो फेसेस देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद हुआ ही नहीं रिवॉल्ट। 1839 में भी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होगी जब राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा को हटा देंगे ये लोग। और 1840 से लेके 1841 में भी अपराइजिंग्स होगी। तो मतलब ये जो रमोसी अपराइजिंग्स थी ये भी काफी लंबे समय तक चली दोस्तों। ऐसा नहीं था कि तुरंत दबा दी गई, दे वेंट ऑन फॉर क्वाइट अ सम टाइम। फाइनली अंग्रेजों को समझ में आएगा कि भैया इनको बहुत क्रूअली हटाना पड़ेगा। एक सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स को बुलाया गया, उस ब्रिटिश फोर्स ने पूरी तरीके से इस रिवॉल्ट को क्रश कर दिया। उसके बाद जो ब्रिटेन हमेशा करता था कि भैया ये जो रमोसिस हैं, रमोसिस के साथ थोड़ी बहुत डीलिंग एलिंग कर लो, थोड़ी बहुत इनके साथ अच्छी बातचीत कर लो, रमोसिस को अपना दोस्त बना लो। तो रमोसिस के जो लीडर वगैरह थे उनके साथ कुछ बातचीत करी गई, उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दिए गए कि चलिए आपके इलाके में थोड़ा कम टैक्स लगाएंगे, आपको ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की छूट है, इस तरीके की कुछ छूट दे दी गई रमोसिस को। रमोसिस को भी समझ में आया कि अंग्रेजों से जीत तो पा नहीं रहे, बार बार हम लोग लड़ रहे हैं, बार बार ये अंग्रेज हमको दबा देते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। तो एक तरीके का अरेंजमेंट हो गया रमोसिस के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। और बाद में देखोगे वेस्टर्न घाट्स में जहां जहां पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस डिप्लॉयड थी, उस पुलिस में कुछ रमोसिस को भी रिक्रूट किया गया। तो इन रमोसिस को लगा कि भाई अब तो हम सरकार में आ गए, तो इस बात पे भी रमोसिस थोड़े शांत हो गए। ऐसे और बहुत से मूवमेंट हुए दोस्तों, सारे मूवमेंट काम के तो है नहीं, बट ये देख लेते हैं हुआ कब और किस जगह पे हुआ। बाकी जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स मेन लैंड इंडिया में हुए हैं वो क्यों हुए हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ब्रिटेन की जो लस्ट थी फॉरेस्ट के टिम्बर रिसोर्सेस के लिए, उसकी वजह से, और मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स कैसे ट्राइबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तभा कर रहे थे, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं और एनसीईआरटी में तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। और मूवमेंट्स देखते हैं, नायकड़ा मूवमेंट 1860s में हुआ मध्य प्रदेश और गुजरात में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुआ, अपर क्लास हिंदूज के अगेंस्ट में हुआ। फिर एक था खरवार रेबेलियन जो कि खरवार्स ने किया था, ये बिहार की एक क्लास थी, जो प्रेजेंट डे बिहार उस समय पे जो जगह थी वहां की क्लास थी, 1870s में हुआ अगेंस्ट रेवेन्यू सेटलमेंट, जो अंग्रेजों की जो एक्सक्रूशिएटिंग रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन की पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट में हुआ था। फिर एक खोंदा दोरा कैंपेन हुआ, इसको कौन लीड कर रहा था? खोंदा दोरास, इनके लीडर कौन थे? कोरा मलिया। विशाखापट्टनम के डाबर रीजन हुआ 1900 में। बस्तर रिवॉल्ट हुआ, बस्तर रिवॉल्ट 1910 में जगदलपुर में, नए फ्यूडल टैक्सेस के अगेंस्ट, नए फॉरेस्ट टैक्सेस के अगेंस्ट। ओके, देखिए जत्रा भगत और तना भगत मूवमेंट की बात कर लेते हैं। जत्रा भगत ने इस मूवमेंट को शुरुआत की 1914 एडी में, 1914 से लेके आप कह सकते हो 1919 एडी तक चला। इसमें क्या बोला गया कि भाई मीट मत खाइए, लिक्वर का ज्यादा सेवन मत करिए, जो ट्राइबल डांस है इसको अवॉइड करिए। जत्रा भगत और तना भगत दोनों मूवमेंट्स अलग अलग थे, बट एक्चुअली में काफी हद तक जत्रा भगत मूवमेंट की और तना भगत मूवमेंट की जो टीचिंग्स थी वो एक ही थी। एंटी कोलोनियलिज्म, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहे थे। ये कह रहे थे कि जो ट्राइबल सोसाइटी में इंटरनली जो गलतियां हैं, जो तकियानुसी ख्यालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनका फायदा उठा के बाहर वाले हमारे इलाके में घुस रहे हैं, क्रिश्चियंस आके हमारा धर्म फैला रहे हैं, इसको रोकना है। खास बात दोस्तों ये थी कि जो तना भगत थे ना, ये गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। देवर अ सपोर्टर ऑफ गांधी जी। छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू का जो इलाका था वहां पे ये चीजें हुई थी। ओके, ट्राइबल अपराइजिंग थी ये एक तरीके की। किस किस चीजों के खिलाफ थे ये? तो भैया सबसे पहले तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे।
उसके बाद एक क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ थे, फिर बनिया वो जो मनी लेंडर्स आ जाते थे इनके इलाकों में आके, जो ट्रेडर्स आते थे उनके खिलाफ थे, ब्रिटिश स्टेट्स के खिलाफ थे, और कुछ हद तक ये मुस्लिम्स के भी खिलाफ थे। जत्तला भगत और तन्ना भगत मूवमेंट गांधी जी के ख्यालात के साथ ये वाकया रखते थे। गांधी जी ने नारा दिया नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने उस प्रिंसिपल को माना। ओके, तो कुल मिला के आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस ये जत्तला भगत और तन्ना भगत मूवमेंट चाहते नहीं थे। ओके, आप देखिए ज्यादातर जो ट्राइबल लिबरेरियन हुए हैं इंडिया में, ये किस लिए हुए? सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इनके लैंड को जब हथियाया गया तो इन्होंने हथियार उठाए, जब इनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इनसे छीना गया तब इन्होंने हथियार उठाए, जब इनके ट्राइबल आइडेंटिटी को इनसे छीना गया, किस तरीके से कि भाई आप इस इलाके में जो काम आप हजारों सालों से कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे, अंग्रेजों के इलाके। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज इनके इलाके में घुसाए और इनसे बोला कि आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो। तो सोशल फैक्टर्स बहुत बड़े थे, कल्चरल फैक्टर्स बहुत बड़े थे, और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ गए। ट्राइबल आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी दोस्तों। कोई एक कैरिज्मेटिक लीडर अगर आता था बिरसा मुंडा जैसे, और अगर वो लोगों को मोबिलाइज कर पाता था तो लोग उसको जरूर फॉलो करते थे, उसको लगता था यही हमें बचाएगा बाकियों से। बहुत से दकियान उसी ख्यालात थे इन ट्राइब्स के बीच में, ये भैया एग्जॉर्सिज्म करना, भूत को ढूंढना, ओके, इस तरीके की चीजें थी, काओ और ऑक्सन को काट के खाना, फिर कास्ट के आधार पे भी सोसाइटी को बांटने की कोशिश की जा रही थी, उसको भी इन ट्राइबल इंटरनल रिफॉर्म्स मूवमेंट ने चेंज करने की कोशिश की। तो देखा जाए जो ट्राइबल इंटरनल रिफॉर्म्स मूवमेंट थे शुरू क्यों हुए, ये शुरू इसलिए हुए इनको खुद समझ में आया कि भैया हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, नहीं तो ये जो दिकूज हैं, ये जो आउटसाइडर्स हैं, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ये हमारे इलाकों में घुसाएंगे और हमारी जगहों पर कब्जा कर लेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ मूवमेंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। बिना वीडियो को शेयर किए मत जाइएगा।